और आप लोग देख रहे पवार जेवल गेमिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा डिवाइस लेना चाहिए या फिर कौन सा कन्वर्टर या कौन सा ऐप जो आपको सबसे बेस्ट यूज़ पे आएगा, एंड्रॉयड 10, 11, 12, 13। तो इसी बारे में बताऊँगा मैं आज। और ये जो गेम प्ले आप देख सकते हैं, ये M1 Pro का गेम प्ले है। और पता नहीं कुछ दिनों से मेरा सेंसिविटी इंक्रीज प्रॉब्लम आ रहा है। अब जेन्युइन ये है, सेंसिविटी इंक्रीज प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एप्लीकेशन या बेस्ट रहेगा या कौन सा कन्वर्टर। आपको फालतू पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ट्राई करते हैं, मैं अच्छे से अच्छा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो और इस चैनल पे 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना। और आपको कोई भी डाउट रहता तो एक कमेंट कर देना। इन्होंने एक कमेंट किया, उसके ऊपर मैंने बेसिस के ऊपर ये वीडियो बना दिया है। तो जैसे अगर आपको किसी चीज़ का डाउट रहता है तो एक कमेंट कर देना, क्योंकि मैं आप ही के भरोसे चल रहा हूँ। आप ही मेरे को बताओगे तो मैं वही वीडियो लाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना। 10 लाइक का एम है भाई, 10 लाइक कोई वीडियो में कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो आप लोग, तो प्लीज़ 10 लाइक का एम है कंप्लीट कर देना। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन हम दिखाते हैं कि पांडा माउस प्रो। पांडा माउस प्रो में भाई सब बेस्ट है भाई। एंड्रॉयड 11, 12, 13 सब में वर्क करेगा। मीडिया टेक में वो वायरलेस डीबगिंग थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो उसके मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, देख लेना वीडियो, आपका हर चीज़ डाउट क्लियर हो जाएगा। बस सेंसिटिविटी प्रॉब्लम होता है उसमें। और इसमें अगर सेंसिटिविटी प्रॉब्लम ना होना तो भाई ये सबसे बेस्ट ऐप बन सकता है। फ्री में, फ्री में क्या, फ्री में ही सब डाउनलोड करते हैं, सबसे बेस्ट ऐप है ये। बस इतना ही बताना चाहूँगा। और मेरी पुरानी वीडियोज़ तो आप देखिए कि कितना अच्छा गेम प्ले है मेरा पांडा माउस प्रो का। उतना भी अच्छा नहीं है पर अच्छा है। तो अपन सेकेंड सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है हमारी M1 Pro। M1 Pro का तो आप देख ही रहे गेम प्ले कैसा चल रहा है भाई। ओनली रेड नंबर तो नहीं बोल सकता मैं ऐसा, पर अच्छा गेम प्ले चल रहा है। इसमें थोड़ी कुछ दिनों से ना सेंसिटिविटी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, पता नहीं क्यों, शायद मेरे फ़ोन की वजह से आ रही होगी ना, पहले नहीं आ रही थी। मैं लाइव स्ट्रीम भी किया हूँ, कई और चीज़ किया हूँ भाई, इसमें सेंसिटिविटी प्रॉब्लम आज तक नहीं आई। अगर कुछ भी सेंसिटिविटी प्रॉब्लम आती है तो अब मैंने एक इसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मतलब लिंक डाल दूंगा, वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। तो हम बस M1 Pro भाई बेस्ट है, देख सकते हैं आप मेरा गेम प्ले। और थर्ड ऐप की तरफ या थर्ड कन्वर्टर की तरफ चला जाए तो मिक्स प्रो यूज़ कर सकते हो आप। मिक्स प्रो भाई Android 13 में वर्क नहीं करेगा भाई, सीधा आप बता रहा हूँ, आइकन गायब हो जाता है इसका। और भाई Android 11 में ठीक ठाक वर्क करता है, बाकी सब तो चल रहा है। Android 12 में वर्क नहीं करता, 13 में तो भाई ना M1 Pro सपोर्ट करता है ना मिक्स प्रो सपोर्ट करता है। पांडा माउस प्रो ये Android 13 में सपोर्ट करता है, इसके अलावा कोई और ऐप सपोर्ट ही नहीं करता। ऑक्टोपस ऐप तो भाई आप यूज़ मत करो मेन आईडी में। ऑक्टोपस ऐप का ये है कि ना उसमें से आईडी बैन हो जाती है ऑक्टोपस ऐप की। बस यही वीडियो थी, थोड़ा लास्ट तक एक दो गेम प्ले होगा देख लेना। बस आज के लिए इतना ही। तो ओके, टाटा बाय बाय। और अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो भाई कमेंट कर देना, हमेशा मैं आपका रिप्लाई करता हूँ टाइम टू टाइम। तो भाई एक शेयर तो बनता है मेरे लिए भाई।